2015 में उन्होंने बीजेपी को परास्त कर दिया, लेकिन जब यूपी में तीनों पार्टियां सब एक साथ आती हैं तो ऐसा नहीं होता। लेकिन दोनों अलग अलग चुनाव थे, वो विधानसभा का चुनाव था और ये लोकसभा का चुनाव है। जब विधानसभा का चुनाव था तो वोट ट्रांसफर होता है, लोगों को लगता है ये राज्य की सरकार चुनने के लिए वोट है, और उन्होंने उस हिसाब से अपना मन बनाया कि हमें राज्य की सरकार चुननी है और राज्य की सरकार चलाने के लिए कौन सी पार्टी बेहतर है, कौन सा गठबंधन बेहतर है। तो पार्टियों का जब गठजोड़ हुआ तो अरिथमेटिक काम आया, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव हो रहा है 2019 का, गठबंधन के बावजूद अरिथमेटिक तो बनी, लेकिन मुझे लगता है वोटरों के मन में यह बात थी कि असल में हम राज्य की सरकार चुनने के लिए वोट नहीं दे रहे, ये तो हम देश की सरकार चुनने के लिए वोट दे रहे हैं। इसी के लिए अरिथमेटिक तो अरिथमेटिक बना, लेकिन केमिस्ट्री काम नहीं आया, क्योंकि लोगों के मन में था ये चुनाव अलग है, ये राज्य का चुनाव नहीं है। बिल्कुल, इसी रसायन शास्त्र पर मेरा अगला प्रश्न है प्रदीप जी से, उसके बाद आशुतोष जी आपके पास आ रही हूं। अगर वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक क्राउड पुलर है, तो मैं एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर